मैंने होटल बुक कर रखा है, ठीक है होटल वहां बनाऊंगा तेरे को, करो मार ले। राम राम सलाम सत श्री अकाल, क्या हाल चाल मेरे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोगों के बढ़िया और हमेशा बढ़िया रहना चाहिए। और भाई आज हमारे साथ यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए हैं और भाई यहाँ पे हमारे साथ ये लड़की बैठी हुई है। भाई हम लड़की की यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ रखे हैं और उसके साथ जो है उनके पापा को भी हमने यहाँ पे बुला रखा है। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है मैं आपको दिक्कत बता देता हूँ। यहाँ की जो दिक्कत है वो सबसे मतलब आप सुन के हैरान हो जाओगे। दिक्कत तो यहाँ पे दो दो हैं। दिक्कत यहाँ पे यूँ है कि बाप ही अपनी लड़की को, अपना जो लड़की काम करती है इवेंट्स का, मॉडलिंग का, मतलब इसके इंस्टाग्राम पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर हैं और इवेंट्स वगैरह करती है, जिसमें इवेंट्स में क्या होता है भाई, कभी कभी रात का इवेंट होता है, कभी दिन का होता है। तो घर से तुमने कितने टाइम से अपने घर से पैसे लेने खत्म कर रहे हैं अपने? मैं जब से इवेंट कर रही हूं 3-4 सालों से मैंने पैसे बिल्कुल कभी घर पे उल्टा पैसे देती हो नहीं देती हो? अंकल देती है घर पे पैसे? हमने किसी कभी कहा नहीं कि हमें पैसे दे। हां नहीं तो देती है, देखो अपनी जिम्मेदारी समझती है ना। देखो वो अपनी, देखो आप जिम्मेदार, आपका अगर कोई लड़का या लड़की आपको छोटी उम्र से पैसा घर पे कमा के दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कमाने लगा है, कमा रहा है, घर पे काम आ रहा है ना आपके। काम पसंद नहीं, क्यों नहीं पसंद अंकल, क्यों नहीं पसंद हमें इनका व्यवहार? क्यों नहीं पसंद? आप देखो मैं बता देता हूँ दिक्कत यहाँ पे क्या है। दिक्कत यहाँ पे ये है, दिक्कत यहाँ पे आपकी लड़की को, आपको अपनी लड़की के ऊपर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। लेकिन लोग, अरे कभी मैंने गलत काम, अरे वो इवेंट्स कर रही है, कोई गलत काम कभी ना कर रही है। आपको पता है कितने लोग, लेकिन लोग गलत कहते हैं ना। देखो अंकल क्या है कि अंकल के जो है पुराने, मतलब पुराने गांव वाले हैं तो इनको इतना आइडिया नहीं है। लेकिन मैं इस काम को कोई बुरा नहीं बोलता, मैं इस दुनिया में किसी भी काम को बुरा नहीं बोलता, किसी को कम नहीं बोलता। लड़की है भाई, कमा रही है, अपने घर को दे रही है, अपना खर्चा खुद चला रही है, तो मेरे हिसाब से कोई भी इसमें बुरी बात नहीं। और अंकल मैं भी आपको यही बोलूंगा कि आप इसमें टोकम टाकी बंद करो, टोकम टाकी बंद करो। आपको उल्टा साथ देना चाहिए कि अगर इसको कोई कमेंट्स कर रहा है, कल क्यों नहीं चाहते, कोई गलत काम कर रही है, आपको अपनी लड़की के ऊपर यकीन नहीं है, तो फिर भी हम चाहते नहीं चाहे, हमें पसंद नहीं है। हमें इसको कुछ गलत करा उसने, मैंने कहा कपड़े कोई शिकायत आई, क्या हाल चाल है अंकल? अभी भी लड़की बेचारी अपना इवेंट छोड़ के यहाँ पे आ रखी है कि भैया ने मेरे को यहाँ पे बुलाया हेल्प करने के लिए। आप यहाँ पे कैमरे के सामने भी अपनी लड़की को उल्टा बोलोगे, इसका मतलब तो आप ही गलत हो ना। देखो आप तो लड़की हमारी, हमें पसंद नहीं, लड़की आपकी है यार, तो आपको एक होता है सबसे बड़ा यकीन, आपको अपनी लड़की के ऊपर यकीन है, तो फिर और किस चीज की दिक्कत है? कब क्या माहौल बुरा है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आपको एक बात बताए, दस्तूर क्या है? जब तक एक ताली से कभी ताली नहीं बजती, एक हाथ तक एक मजबूरी भी जो है, इंसान की मजबूरी रहती है। आपको अपना शौक है करने का? मेरे को शौक है, पैसे कमाने का शौक है, ये मेरा काम है। ब्लॉगिंग करने कोई बुला घर या ब्लॉगिंग करना, कोई ब्लॉगिंग करना कोई बुरी बात है? मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है, हमने कहा पैसे मत दे हमें। अरे तो अब एक मिनट रुक जाओ, मुद्दे पे आ जाते हैं। एक तो भाई ये दिक्कत है कि अपने बाप को अपनी लड़की का बिल्कुल भी क्या नहीं पसंद है, मेरे को नहीं पता, उस चीज पे मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। अभी क्या दिक्कत है, इनके घर पे जो है कोई, मतलब इनके फ्रेंड का कोई लड़का, मतलब 2 साल से इनके घर पे रह रहा है। अब वो लड़का जो है 2 साल से तो यहाँ पे रह रहा था, बिल्कुल ठीक था, इन्हीं के घर पे रह रहा है, लड़की मतलब एक ही घर है वहाँ पे रह रहा है। अब जो लड़का है ना, उसके दिल्ली में दोस्त यार बन गए होंगे, तो उसने देखा होगा सबकी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है। अब वो जो लड़का है, लड़का जो है इस लड़की के साथ अपनी घर के साथ, मतलब वो एक हिसाब से देखा जाए तो इसकी बहन है, लड़के की बहन है, जब एक ही घर में रह रही है, दूर की रिश्तेदारी हो या फिर पास की हो, ये अपना भाई समझती है उसको, और ये जो है अंकल उसको लड़का समझते हैं। अब वो लड़का जो है इसके साथ जो है उल्टी सीधी हरकतें करता है, क्या करता है एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दो। इसने बताया क्यों नहीं, तो बताएगी कैसे? जब आप इसके काम पे इसको रोक टोक करते हो, हर चीज आप करते हो, ये तो आपके बाप, देखो ये लड़की आपको नहीं बता रही, आपकी बेटी होने के बाद नहीं बता रही, इसको मेरे ऊपर इतना यकीन है कि मेरे साथ आके बात मतलब कर रही है, इसको ये पता है, उसको ये पता है, इसको ये पता है कि मैं इसका साथ दूंगा, लेकिन आप इसका साथ देते तो आज पे ये बात नहीं दिया ना आपने। अंकल का साथ दिया नहीं, दिया इवेंट में नहीं क्यों साथ दिया? ये साथ देना होता है पार्क में आके, आप इसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, ये तो साथ नहीं होता, इसको तो मैं भी साथ नहीं बोलता। अगर कोई बाप अपनी लड़की को पार्क में आके उल्टा सीधा बोलता है तो आप बताओ कि ये सही है या गलत है? देखो भाई गुस्सा क्यों आएगा? अरे आप उल्टा साथ दो उसका यार, आप खुद ही पहले अपने दिमाग में कचरा लेके बैठे हुए हो, तो लड़की बेचारी क्या करेगी यार, कल के दिन अपना घर छोड़ के चली जाएगी। अभी आप यूं बताओ, आप यूं शादी क्यों नहीं करेगी? करेगी ऊपर वाले ने लिख रखा है, जिससे बोलोगे उससे शादी करूंगी मैं, ये तक बोल, उसने तो बोल रखा है। देखो अभी दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, जो आपने अपने घर पे लड़का रोक रखा है वो इसके साथ गलत हरकतें कर रहा है, उसका क्या करना है? अगर मैंने वो देखा होता या इसने बताया होता, अंकल को अपने लड़की, अंकल को जो है अभी जो अभी भी अंकल को अभी भी लड़के पे ज्यादा भरोसा है और अपनी लड़की पे नहीं है, उनको यूं लगता है
कि लड़की ने ही कुछ ना कुछ किया होगा और लड़के ने कुछ कर दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं देख के परेशान हो गया। कोई बाप ऐसे कैसे अपनी बेटी के साथ बात कर सकते हैं? मैंने तो भाई पहली बार ही देखा है। मेरे हिसाब से मैंने आज तक ऐसा, आप यकीन ही नहीं करते। सही कह रही है बेचारी यार, सही कह रही है, सही कह रही। नहीं करते, नहीं करते अंकल, नहीं करते। अभी दिक्कत यहाँ पे ये कि इनके जो घर पे लड़का है क्या करता है, एक बार वो बताओ हमारे व्यूअर्स को। एक लड़का है, उसको तो बिल्कुल अपने भाई की तरह मानती हूँ। शुरू में तो बिल्कुल मैंने उसे अपने भाई की तरह रखा, लेकिन मैंने उसको देखा वो भाई बनके कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके नजरों में मैं उसकी बहन नहीं थी। इस तरीके का उसका बिहेवियर था। अच्छा। उसने क्या करा, जब देखते घर पे कोई नहीं है, मेरा हाथ पकड़ लिया, गंदी गंदी बातें करने लगा, कमेंट्स करता, टच करता, ऐसे वैसे बहुत सारी हरकतें करने लगा। जब मैंने देखा बहुत ही ओवर हो चुका है ना, बिल्कुल परेशान हो गई, तब मैं आपसे हेल्प लेने के लिए आई, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा को मैं बताऊंगी मेरी बात नहीं सुनेगा। आपने ये देख लिया अभी इन्होंने कैसे करा मेरे साथ। गलत है यार, अपना बाप भी अपनी लड़की का साथ नहीं दे रहा तो बताओ फिर कौन देगा? इसकी बेचारी की मम्मी है नहीं, है नहीं है, बाप है, बाप भी साथ नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूं, बताओ क्या फायदा? लड़की पार्क में आके रो रही है, बाप को एहसास तक नहीं है। लड़का बाप जो है अभी भी उसी लड़के का साथ दे रहा है। कौन है लड़का पता है? इनकी कॉलेज फ्रेंड का लड़का, पता नहीं कितने साल हो गए आपको कॉलेज छोड़े हुए, आप फिर भी उसका यकीन कर रहे हो यार? शर्म आनी चाहिए यार, बताओ, रखना ही नहीं चाहिए। ये तो लड़की उसको भाई समझ रही है, लेकिन कोई रिलेशनशिप तो है ही नहीं सगे भाई बहनों वाला। गलत हो आप अंकल, उस लड़के को फोन करो, उसको पार्क में बुलाओ, शांति में रहो आप। ये पता नहीं कैसा बाप है यार मेरे तो पल्ले, और नहीं तो क्या, नहीं हो नहीं हो और नहीं तो क्या। एक काम करो ना, जब आपको अपने नहीं, जब आपको अपनी फ्रेंड के लड़के के ऊपर इतना भरोसा है तो उसको आने तो यहाँ पे, देखते क्या हरकतें करता है। उसके बाद उसके घर पे बजाओगे तो सही, उसको घर से निकालो ना। मैं आके निकालू क्या, वो काम भी मैं करूँ क्या? जब देखेंगे, अभी भी जब देखेंगे लड़की के ऊपर यकीन नहीं है, फिर बोलते हैं कि लड़कियां ऐसी लड़कियां वैसी, अपनी लड़की के ऊपर ही नहीं है। अरे छोड़ो आप, उसको फोन करके बुलाओ और कैमरा बंद कर दे, उसको फोन कर कैमरा बंद कर दे। क्या बात है मैडम, आज बाहर बुला लिया तुमने तो? है हाँ बस सही है। अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो तो। अरे तुम दूर से रह के बात करो ना, मैं बात करने के लिए बुलाया, मैंने कुछ बात करने के लिए बुलाया। अच्छा, सही है यार, तुमने बाहर बुला लिया आज। तुम्हारे घर पे पापा रहते हैं, मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। क्या मतलब क्या कर भी नहीं पाता हूँ? पहले दूर रह के बात करो, समझ आ रहा है? दूर रह के बात करो, जो भी बात करनी है। अरे पास तो आओ, दूर रह के बात करो, पहले मेरी बात सुनो। तुम ये हरकतें कब छोड़ोगे? मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। भाई समझती हूँ मैं, दोस्त समझता हूँ इसीलिए। कैसा दोस्त, भाई हो तुम मेरे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दूर रह के बात करो, दूर रह के बात करो, जो भी बात करनी है। और तुम्हें मैं वार्निंग दे रही हूँ, ऐसी हरकतें छोड़ दो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तू है चूतिया, तू चूतिया है, तू चूतिया है। अच्छा मैं उस घर में पता है किस लिए रहता हूँ? सिर्फ तेरे लिए रहता हूँ। अच्छा तो तुम मेरे लिए रहता हूँ? आराम से बैठ के बात कर लो, दूर होके बात कर। तू चल, कहाँ चल? घूमने चलते हैं, होटल बुक किया मैंने। अच्छा होटल बुक किया, चल। मैं तेरे साथ होटल जाऊंगी, है? चल होटल बुक किया मैंने, दूर रह के बात कर ले। बता रहा, बैठ। अच्छा चुपचाप बैठ यहाँ, क्यों बैठ? बात करनी है मेरे को, बैठ। क्या बात करनी है? मैं तेरे से बोल रही हूँ, आराम से मेरी बात सुन। हम चलते हैं घूमने, ठीक है? घूमने जाएगा मेरे साथ? घूमने जाएगा? तू हाथ कैसे उठा रही है? छोड़ मुझे, तू चल अब तो, तू चलेगी। अच्छा घूमने जाएगा तू मेरे साथ? चलेगी, ठीक है? घूमने जाएगा तू मेरे साथ? तू हाथ कैसे उठा रही है? मारूंगी मैं तुझे, मारूंगी मैं तुझे, छोड़ मुझे, छोड़। तू चलेगी अब देख, छू जाऊंगी मैं तेरे साथ। कौन है तू? मैं तुझे भाई समझती हूँ, छोड़ दे। चल छोड़ मेरा हाथ, तू हाथ मत उठा बता रहा हूँ। छोड़ मेरा हाथ, मैं मार दूंगा तेरे। मेरा हाथ छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ रहा। तू मेरा हाथ छोड़ रहा? मैं नहीं छोड़ रहा, बता रहा हूँ मैं। चुपचाप चल, चुपचाप चल। मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़। मैं नहीं छोड़ रहा, चल चल। मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़ दे, बता। तू हाथ कैसे उठा रही है? देख मेरा हाथ, इतनी औकात भी तेरी है? कैसे उठा रही है तू? तू बैठ यहाँ पे, तेरी औकात कैसे होगी मेरे का हाथ उठाने की? है औकात की बात कर रहा है? औकात की बात कर रहा है तू? बैठ यहाँ, चुपचाप बैठ यहाँ तू, ठीक है? मैं ना तेरी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। बैठ यहाँ चुपचाप, क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? बोल रहा हूँ मेरे साथ चल, मैंने होटल बुक कर रखा है, ठीक है? होटल बार बार होटल की बात कैसे उठा रही है? छोड़, क्या उठा रही है? कैसे उठा रही हूँ देखेगा? चल होटल। अच्छा तेरे लिए, तेरे को इसलिए घर पे रखा हमने, इसलिए घर पे रखा था, तेरे को इसलिए घर पे रखा था, पढ़ाया लिखाया मेरे बाप ने तेरे को, इतना खर्चा करा तू। होटल तो चल, तू जो मांगी तेरे को होटल जाने वाली लगती हूँ मैं, है? होटल जाने वाली लगती हूँ मैं तुझे? चल तो, छोड़ मुझे, छोड़ दे मेरे को। चल तू सही एक बार, छोड़ मेरे को। हाथ कैसे लगा रही है? ऐसे लगा, मार कैसे रही है? छोड़ दे मेरे को, तू मार कैसे रही है? छोड़ दे मेरे को, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। मैं यहाँ पे सबको बुलाऊंगी, मैं चिल्ला चिल्ला के बुलाऊंगी सबको, मैं चिल्ला चिल्ला के बुलाऊंगी सबको। छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे।
और मारो इसको, बहुत परेशान करा ऐसे मेरे को। पर्सनल मैटर नहीं है ये, क्या हुआ तेरा पर्सनल? तू क्यों आ रहा है बीच में? और मारो इसको, और मारो इसको, और मारो इसको। कहाँ लेके जाएगा? हैं? कहाँ लेके जाएगा? ओए खड़ा हो, खड़ा हो। होटल लेके जाएगा ये मेरे को। तू है कौन? ले किसको बुलाएगा? भाई है ये मेरा। लेके कहाँ जाएगा? भाई है ये मेरा। और मारो इसको, इससे मेरे को बहुत परेशान कर। हैं? मारेगा कैसे? कहाँ लेके जा रहा? तू कौन है? तू है कौन? आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज इधर। कहाँ लेके जा रहा? कहाँ लेके जा रहा था? कहाँ लेके जा रहा था? लेके कहा जा रहा था? इधर आ, कहा जा रहा है? ठीक है, क्या लेके जा रहा था? लेके कहा जा रहा था? तेरा बाप लग, कहा लेके जा रहा था? लेके कहा जा रहा था? लेके कहा जा रहा था? इसमें आने वाला ये बता, समझ नहीं आ रही। तूने किसको बुलाया है? नीचे नहीं हो रही तेरी आवाज? नहीं बुलाया किसको है? आवाज नीचे हो रही है भाई? तेरा आवाज नीचे नहीं हो रही तेरी? आवाज नीचे हो रही है? नहीं, आवाज नीचे हो रही है तेरी? नहीं, इधर आ। वहाँ पे शादी हो रही है तेरी? शादी हो रही है तेरी? शादी हो रही है वहाँ पे तेरी? कहा लेके जा रहा था इसको? ओए घर में रह के मेरे घर में खाना खा के मेरे साथ कहाँ लेके जा रहा था इसको? लेके कहाँ जा रहा था? कहाँ लेके जा रहा था इसको? कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ लेके जा रहा था? होटल लेके जा रहा था। यहाँ पे किसके घर पे रुका है? किसके घर पे रुका है? बताओ ना, सच बताओ सब कुछ। किसके घर पे रुका है? किसके घर? रेता कहाँ है? है सड़े कौन रेता का? मैं कहीं पे रहूं तू बाप बन रहा है? रेता का है? रेता का है? बाप बाप बनाऊंगा तेरे, बाप बनाऊंगा तेरे को। क्या बनाऊंगा? सड़े कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? मार मार के कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? रहता कहाँ? खड़ो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? हमने दोस्त के फोन है। चुप हो रहा? नहीं चुप हो रहा? नहीं हो रहा है? चुप हो रहा? नहीं हो रहा? चुप हो रहा? नहीं हो रहा? हाँ है ना भैया? मारो मत अभी, अभी तक साढ़े अभी तक क्या दिखा रहा था मेरे को? चोट बनती दिखा है? खड़ा हो, खड़ा हो है? साढ़े है? क्या बोल रहा था? बाप लग रहा है? कौन लग रहा हूँ मैं तेरा? है क्या लग रहा हूँ मैं तेरा? ओए है क्या बोल रहा था लड़की को? तेरे को पता है तेरे अंकल, अंकल तो कितना यकीन करते तेरे को? तेरे को पता है तेरे को? हाँ ना, क्यों लड़की पे? ओए ओए क्यों लड़की के साथ है? है क्यों लड़की के साथ बदतमीजी करता है? ओए करेक्टर ऐसा है लड़की का? करेक्टर लड़की का करेक्टर है? है लड़की का करेक्टर ऐसा है? साढ़े है बेशरम। बुलाओ तेरे अंकल को। ओए मामा को बुलाओ तेरे। मैं मत बुला। क्यों? तेरी माँ को फोन कराओ एक बार। अंकल इधर आओ, इधर आओ जल्दी, इधर आओ। ओए देख लिया ना? क्या है? सुन रहे हो बातें? सच देखा ना आपने? बातें सुन रहे हो? मेरे पर यकीन नहीं था। बातें सुन रहे हो? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं भी कितना यकीन करा है तेरी मम्मी खातिर मैंने बेटे साहब प्यार किया। अंकल इसका करैक्टर ही है साढ़े। फिर करैक्टर, फिर करैक्टर, फिर करैक्टर, फिर करैक्टर साले। वो तेरे के दूर के मामा लगते हैं, देखो शर्म आ रही है। हैं मामा की लड़की के साथ ही आराम खंती कर रहा है। हैं साढ़े वो उसका करैक्टर देख लो। तेरी करैक्टर की ऐसी की तैसी साढ़े। हैं इधर आ साढ़े। हैं क्या बोल रहा है? करैक्टर किसका करैक्टर ऐसा है? किसका करैक्टर ऐसा है? ओए मारो मत यार। करैक्टर किसका कैसा है? मारो मत। करैक्टर किसका कैसा है? ये लड़की का बहुत ज्यादा करैक्टर खराब है। करैक्टर किसका कैसा है भैया? मारो मत। किसका कैसा? किसका कैसा है? पास करता है। बोल क्या करना है अंकल? इसको घर रखना है? आप अपने कैसे बोल रहे? बात करो, करो बात करो। कैसे बात करोगे? करो देखूं आप लड़की को कैसे अपनी बुरा बोल रहे थे? देखूं कौन बुरा है? मेरी लड़की को कैसे? कौन बुरा है? बुरे तो आप हो। मैंने इसको आप तो अभी भी साथ दे रहे हो। मैं होता तो 10 थप्पड़ मार देता। थप्पड़ मारो ना। है 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 बेशरम है। अंकल आओ। ओ माँ को फोन करो, इसकी माँ का नंबर निकालो। तेरी माँ को फोन करूँ? है तेरी माँ को फोन करूँ? है तेरी माँ को फोन करूँ? अरे करो ना उसकी माँ को फोन, करो ना उसकी माँ को फोन। है 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 साढ़े कर इसकी मम्मी, कर इसकी माँ को फोन। है क्या करना है? वो इधर दो फोन, इधर दो फोन। क्या करना है? करू तेरी माँ को फोन? करू तेरी माँ को फोन? क्या मिले थे? नहीं नहीं घर पे किसके रह रहा है? किसके घर पे रह रहा है? घर पे किसके रह रहा है? घर पे किसके रह रहा है? घर के तो जिनके घर पे बैठेगा उन्हीं के घर पे थू थू करेगा? करो तेरी थू थू, करो थू थू। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। डालू डालू थू थू करूं?
साढ़े तेरे को बेटे से ज्यादा समझते गलती हो गई, ये गलती होती है, ये गलती होती है। मारो मत, तेरी माँ को फोन करूँ? तेरी माँ को करेक्टर बताऊँ? तेरे बहन बुलाऊँ? सॉरी बोल नीचे बैठ, सॉरी बोल साढ़े करेगा आज के बाद? करेगा नहीं करेगा आज के बाद? वहाँ पे देख रहा है कैमरा? तेरी माँ के पास वीडियो भेज देंगे? क्या भेज देंगे? तेरी माँ के पास वीडियो भेज देंगे? तेरी माँ के पास करे? तेरी माँ को फोन करूँ? करेगा आज के बाद? बोल आज के बाद तुम मेरी बहन हो, आज के बाद तुम मेरी बहन हो। और जो मैंने कूड़ा कंती वाली हरकतें करी आज के बाद नहीं करूंगा, कूड़ा कंती वाली हरकत आज एक बारी घूम खाया अगली बारी नहीं खाऊंगा। बोल उधर, बोल सॉरी गलती हो गई मेरे से, समाज से माफी मांग, माफी मांगता हूँ। करेगा आज के बाद? इनके अभी भी रखोगे इसको घर? बिल्कुल नहीं। साढ़े आज के सामान उठा के निकल जियो यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, साढ़े दिखा यहाँ से, बेशरम। और आप क्या हो? क्या हो आप? देखा ना आप क्या हो? अरे बाप हो आप, बाप हो? किसने बाप बनाया आपको? मस्ती में बाप बन गए थे क्या? मस्ती में बाप बन गए थे क्या? ना ना, मस्ती में बाप बन गए थे? मस्ती में बाप बन गए थे? लड़की के ऊपर यकीन नहीं करते हो? कैसे बाप हो? बाप कैसे हो? किसने बाप बनाया आपको? बाप ऐसे होते हैं? नहीं नहीं, कैसे होते हैं? मैं अपने पापा के साथ बैठाऊं आपको, वो आपको बताएंगे बाप कैसा होता है। ऐसे होते हैं बाप, अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी बातों पे भरोसा। ये जो लोगों की हेल्प करता हूँ ना, इधर सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। जो हेल्प लोगों की हेल्प करता हूँ ना, मेरे रिश्तेदार पता है क्या करते हैं? खंजर उठा के मेरे पीछे मारने की कोशिश करते हैं। मेरा बाप ही बचाता है मेरे को, और आप अपनी बच्चे को खंजर मार रहे हो? शर्म आ रही है आपको? मुझे गलती हो गई, ये हो गए हो। ऐसे बाप ना हो। ये फोन पकड़ो अपना, आज के बाद करोगे वहाँ पे? देखो बोलो, मुझसे गलती हो गई? मुझसे गलती होगी सर। कोई भी लड़की हो ना, देखो मेरी बात सुनो, लड़की आपकी है ना, तो आप अपनी लड़की पे कम से कम भरोसा तो करो, मेरे पे मत करो। मैं आपका कुछ नहीं लगता, मेरे करो ना, आपका हक बनता है। हम बोल रहे हैं ना, करेंगे। मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, मुझे माफ कर देना, मैं पाँव भी छू लूंगा आपके, लेकिन आप ऐसी हरकत मत करो। तो आपको भी सोचना चाहिए, कोई बात नहीं, आप अपने घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेके जाओ इसको आप, लेकिन आप अपने अंकल को, अपने पापा को समझाओ, ऐसे नहीं होता बेटी, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इतनी अच्छी लड़की कमा के दे रही है आपको, उसके बाद भी नहीं, जाओ बेसबाजी मत करो अंकल, जाओ लेके जाओ लड़की इनको। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे हो गए, और इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। और आप सभी को सिर्फ ये बताना था, क्योंकि हमारी जो वाइंस पहले रुकी पड़ी थी, वो वाइंस हमारी आने वाली है नेक्स्ट वीक में। तो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा अजय डिंगरा वाइंस का, आप सर्च भी कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जाके सब्सक्राइब कर देना, और जब हमारी वाइंस आएगी तो प्लीज़ हर एक भाई शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर मैंशन कर देना, मैं सबके मैंशन री मैंशन करूँगा सबके। तो प्लीज़ वाइंस को हमारे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले हफ्ते तक हमारी वाइंस आ जाएगी, तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।